तस्वीरें वो जो खुद बोले। बहावलपुर में प्रेस क्लब में चोलिस्तान की तहजीब और सकाफत को निखारते हुए पेंटिंग्स की रंगारंग नुमाइश हुई। हाजरीन ने दिल खोल कर दाती। तफसीलात इस रिपोर्ट। भावलपुर प्रेस क्लब में होने वाली रंगारंग नुमाइश में भावलपुर से ताल्लुक रखने वाले नामवर मुसव्वर हुमायूं निसार के फनपारों को बेहद सराहा गया। हुमायूं निसार ने अपने फनपारों में चोलिस्तानियों की तहजीब और सकाफत और चोलिस्तानियों की मुश्किल भरी जिंदगी की भरपूर अक्कासी की। बहावलपुर में जो रहन सहन है, खसूसन जो मैंने वाटर इशू पर काम किया है, मुझे बड़ा शिद्दत से ये एहसास हुआ है कि जब एक दोस्तों में कई दूर दूर लोगों के जाती है तो आज लोगों का खुश मिलता है, बड़ा दुख होता है कि पानी नहीं आ रहा है। जब तक खुश खाली हो गई और खुलिस्तान में जो खसूसन पानी की किल्लत है, नुमाइश में आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की और दिल खोलकर दाद दी। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम है। और सर हुमायूं का तो बहुत नाम है, यहाँ से आकर हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है कि इतना अच्छा काम हुआ है। इवेंट सबको आना चाहिए। भावलपुर प्रेस क्लब में होने वाली इस नुमाइश में नए उभरते हुए आर्टिस्टों उशरा असलम, मारिया और सहर के फन पारों भी रखे गए। घरों वाली पेंटिंग है, उसमें मैंने मतलब रेगिस्तान की जिंदगी को मेंशन किया हुआ, शो करवाया हुआ की मतलब जैसे एक घरे के ऊपर खुश्क साली आई हुई है, अगर वहाँ पे पानी ना हो तो वहाँ की दुनिया, वहाँ की मतलब लोग किसी तरीके से बेरंग हो जाएंगे। तो टॉपिक अपना चूज किया था ब्लू पॉटरी, जो कि मुल्तानी, जिसको मुल्तानी पॉटरी भी कहा जाता है। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें ब्लू पॉटरी के पैटर्न को बैकग्राउंड में ज्यादा दिखाया और बॉसेस पे कम दिखाया। वो इसलिए क्योंकि आजकल बॉसेस के ऊपर ब्लू पॉटरी की अहमियत वो नहीं रहेगी, क्योंकि प्रिंट्स में फैब्रिक में चली गई है। और मैंने ये दो पेंटिंग्स बनाई है अपनी, इसमें कैलीग्राफी है, मेन जो मैंने टॉपिक लिया है उसके अंदर मैंने इस्लामिक मोटिव्स लिए हैं और साथ में मैंने मॉस्क लिए, उनको मर्ज करके मैंने कॉम्पोजिशन बनाई है और उसको मैंने अपने कैनवस पर ड्रॉ किया है। आहिस्ता आहिस्ता कदम बनाते बनाते कर मैंने मैंने यहाँ पर घोड़े का घोड़े की पेंटिंग बनाई। और गर्मी की शिद्दत के बावजूद हम पारों में दिलचस्पी रखने वाले परवानों की तरह नुमाइश में आ रहे हैं। भावलपुर की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाली पेंटिंग में रोजमर्रा जिंदगी के उजागर किए जाने वाले पहलुओं ने आवाम को दिलों को छू लिया। जरूरत ही समर की है कि खिते की तहजीब और सकाफत को यादगार बनाने वाली पेंटिंग और खिते की सकाफत को उजागर करने वाले मुसवरों के फनपारों की नुमाइश के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई काबिल जो अपनी सकाफत से मोहब्बत के आईनादार हैं से वादा की जाए, ताकि नौजवान नस्ल अपनी सकाफत से रोशनास हो सके। कैमरा मैन इकबाल कोशी के साथ चौधरी।